ओके सो आपने गिम्बल देखा यार, लुक वाइज गिम्बल देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग है। अब बात कर लेते हैं स्टेबलाइजेशन की। तो स्टेबलाइजेशन के लिए सबसे मेन चीज होती है कि आपको गिम्बल किस तरीके से यूज करना है। सो अगर आप लैंडस्केप मोड में वीडियो शूट करते हैं तो आपको गिम्बल की सेटिंग कुछ इस तरीके से रखनी है। अगर आप इसको पोर्ट्रेट मोड में इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसको रोटेट करके कुछ इस तरीके से जो अपना फोन है उसको अटैच कर लेना। सो मोस्टली हमारी यूट्यूब की वीडियोज जितनी भी होती हैं उसको हम लैंडस्केप मोड के ऊपर ही शूट करते हैं। सो आपने अपना फोन इस तरीके से लेना है और इसको यहाँ पे खींचते हुए, ये वाले पार्ट को खींचते हुए बिल्कुल कोने तक अटैच कर लेना है। सो आपका ये फोन बिल्कुल यहाँ तक अटैच हो जाएगा और आप देखेंगे अभी ये गिम्बल जो है वो हमारा इस तरफ भाग रहा है। सो दैट मीन्स ये हमारा गिम्बल जो है वो स्टेबलाइज नहीं है। तो पीछे की तरफ हमें यहाँ पे क्लैंप दे रखा है, इसको आपने खोलना है एंड जिस तरफ आपका फोन जो है जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। जैसे आप देखेंगे ये हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया और हमारा जो फोन है वो अब पूरा का पूरा हर जगह पे स्टेबल हो गया है। तो यहाँ पे हम इसको लॉक कर देंगे। तो ये हमारा एक एक्सेस जो है वो लॉक हो गया। दूसरा एक्सेस होता है ये वाला। तो अगर कई बार हम जब फोन फिट कर रहे होते हैं तो हम जैसे एक तरफ जा रहे हैं, आप जैसे देखेंगे ये हम इसको देखेंगे तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये आपका एडजस्ट नहीं है। तो इसको आपको बिल्कुल सेंटर में लेकर आना है ताकि आप जब इसको फ्लोर के साथ पैरेलल करें तो ये एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। अब क्या है, अब मैं गिम्बल को कहीं पे भी रोकूंगा हमारा गिम्बल वहीं का वहीं रुक जाएगा। जैसे आप देखेंगे कहीं पे भी मैं इसको रोक रहा हूँ, कैसे मर्जी मैं फोन कर रहा हूँ तो हमारा गिम्बल जो है वो वहीं का वहीं रुक जाता है। तो ये होती है प्रॉपर स्टेबलाइजेशन जो कि आपको अपने गिम्बल के साथ करनी है और ताकि आपके जो मोटर्स हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे और उन पर कम से कम लोड जो है वो पड़ेगा। बाकी अगर आप इस फिल लाइट को लेते हैं, AI टेक्नोलॉजी के साथ वाली जो फिल लाइट है उसको अगर आप लेते हैं, तो अगर आप इसको प्लेस करते हैं तो ये मैग्नेटिक होल्ड के साथ आती है। कुछ आप ऐसे रखेंगे तो ये हमारी हो जाएगी सेट, बट इसके बाद आपको फिर से जो एडजस्टमेंट है वो करनी पड़ेगी क्योंकि फिल लाइट का अपना वेट है वो एक तरफ झुक रही है। तो उसको लेके आपको अपने हिसाब से दोबारा से एक बारी थोड़ी सी एडजस्टमेंट जो है उसको करनी है। जैसे हम इसको दोबारा से एडजस्ट कर लेते एक बारी।